फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता। वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, शादी पार्टी या होटल वाली भिंडी तो आपने हजारों बार बनाई होगी। चलिए वैसे ही टेस्ट के साथ आज हम बनाएंगे बहुत ही नए तरीके से, और आपके ढेरों फरमाइश पर मैं आपके लिए लेकर आई हूं इस रेसिपी को बिना लहसुन प्याज के। इतना औसम इसका टेस्ट है, घर के बेसिक मसालों से बनती है, जो भी खाएगा बस वाह वाह करता रह जाएगा। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारे खास ट्रिक्स जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस रेसिपी के लिए एक स्पेशल पेस्ट रेडी करेंगे। इसमें लहसुन प्याज का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें दो टमाटर, जिसे मैंने काट के ले लिया है, 3-4 हरी मिर्चें, तीखा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, अदरक का टुकड़ा 1 इंच, जिसे मैंने काट के लिया है, और 2 चम्मच काजू, जिसे मैंने पानी में भिगो के रख दिया था आधा घंटा पहले। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एकदम फाइन पेस्ट रेडी करेंगे इसका। भिंडी मैंने आधा केजी लिया है और इसको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट के बीच में से चीरा लगा दिया है, ताकि ग्रेवी इसके अंदर जाए और भिंडी हमारी काफ़ी टेस्टी और मज़ेदार बने। इसको स्पेशल क्रंच देने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच के करीब बेसन, इससे हमारी जो भिंडी है वो काफ़ी क्रिस्प बनेगी। साथ में मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए है, और 1 चम्मच डालूंगी मैं सरसों का तेल। आप जो खाते हैं वो ले लें, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और 5 मिनट हम इसे रख देंगे रेस्ट करने के लिए। भिंडी को अच्छे से मिक्स कर दिया है मैंने, और इसे मैं अब 10 मिनट रेस्ट दूंगी। भिंडी को 10 मिनट हो गया है रेस्ट करते हुए। मैंने एक फ्राई पैन में डाला है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसके अंदर मैं डालूंगी भिंडी को, और हाई फ्लेम पे हम इसे भुनेंगे एकदम अच्छा से क्रिस्प हो जाए। भिंडी हमारा क्रिस्प हो गया है, कितना इसका कलर मज़ेदार लग रहा है एकदम। आप ये एक ट्रिक अपनाएंगे ना, तो आपकी भी भिंडी काफ़ी मज़ेदार बनेगी। इस ट्रिक को आप फॉलो ज़रूर करिएगा। और आप हम भिंडी को निकाल लेंगे, गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। उसी पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच सरसों का तेल, इसके अंदर मैं डालूंगी 5 फोरन, थोड़ा सा सौंफ, जीरा, मेथी, सरसों के दाने। इसको हम कुकर होने देंगे। इस तरह से आप छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी भिंडी की सब्जी बहुत ही डिलीशियस बनेगी। चाहे किसी भी फ्लेवर में आप बनाएं, गीला बनाएं, सूखा बनाएं, इस ट्रिक का ज़रूर इस्तेमाल करें। इसको क्रैकल होते ही मैं डालूंगी इसमें प्यूरी, इसको हम अच्छे से कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये जो है हमारा तेल रिलीज कर दे। काजू हमने इसलिए डाला क्योंकि हम लहसुन प्याज का यूज नहीं कर रहे हैं, तो काजू जो है काफ़ी क्रीमी इसमें टेक्सचर छोड़ेगा और बहुत ही मज़ेदार बनाएगा हमारी सब्जी को। हमने लहसुन प्याज का यूज नहीं किया है, इसके लिए मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच के करीब बेसन, और प्यूरी के साथ ही हम इसे भून लेंगे, क्योंकि ये रोस्टेड बेसन नहीं है, ये कच्चा बेसन है। इससे हमारी जो ग्रेवी इसकी काफ़ी अच्छी बनेगी, थिक बनेगी सब्जी की। देखिए प्यूरी और बेसन हमारे अच्छे से भून गया है, तेल रिलीज कर दिया है, और इस पॉइंट पे मैं डालूंगी 2 चम्मच दूध की मलाई। आप इसकी जगह पे फ्रेश दही भी डाल सकते हैं, लेकिन खट्टी नहीं होनी चाहिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ में मैं डालूंगी इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये कलर के लिए है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और भुनेंगे हम इसे अच्छे से। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सब्जी अच्छी बने उसके लिए खास गर्म करते हैं ग्रेवी। ग्रेवी हमारी अच्छी बनेगी ना, तो सब्जी हमारी बहुत ही यम्मी बनेगी, काफ़ी औसम बनेगी। तो ग्रेवी पर आप खास ध्यान दें, उसे अच्छे से भुने, उसका कच्चापन एकदम ख़त्म हो जाना चाहिए। आप सभी स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करें, आपकी भी सब्जी काफ़ी डिलीशियस बनेगी। अब मैं डालूंगी इसके अंदर 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालूंगी मैं गरम मसाला, जीरा पाउडर और अमचूर पाउडर थोड़ा सा,
और साथ में मैं डालूंगी कसूरी मेथी। ये घर का कसूरी मेथी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उसे जरूर चेक करें। और साथ में मैं डालूंगी इसमें आधा कप के करीब पानी। इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। गैस का फ्लेम मैं हाई कर दूंगी। हमारे पानी में उबाल आ गया है और इस पॉइंट पे मैं डालूंगी भिंडी को। गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे और हम तब तक कुक करेंगे इसे जब तक हमारी भिंडी अच्छे से कुक ना हो जाए और भिंडी जो है हमारी जूसी ना हो जाए। 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा इसे कुक होने में। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक के मैं इसे 4 से 5 मिनट कुक करूंगी। इसको मैं ढक दूंगी। इसमें मैं नमक डालूंगी, स्वादानुसार नमक डालें। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे ढक के 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे ताकि सब्जी हमारी काफी जूसी हो जाए। वाव, हर सब्जी का कलर और टेक्सचर इसका कितना यम्मी आया है, कितना अच्छा लग रहा है। और लीजिए, हमारी गर्मा गर्म मसालेदार भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं हमने इसमें कितना सारे पानी का यूज किया था, लेकिन बेसन की वजह से हमारी सब्जी काफी गाढ़ी बन गई। आप शादियों और पार्टियों में जो खाते हैं ना, बिल्कुल वैसी सब्जी बन गई, बिना प्याज और लहसुन की सब्जी। इसमें धनिया पत्ता डालेंगे, हम मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम बंद करेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, गर्मा गर्म मसाला भिंडी हमारी बनकर तैयार है। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि आप शादी या पार्टी में खाते हैं ना भिंडी, बिल्कुल वैसे ही एकदम अमेजिंग स्वाद के साथ। और कोई खाकर बता ही नहीं पाएगा कि आपने प्याज लहसुन का यूज नहीं किया है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की नई नई रेसिपी आपके लिए लगातार लाती रहूं, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ढेर सारे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि रोज़ आपको एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। देख रहे हैं ना कितनी नरम और मज़ेदार ये भिंडी बनकर तैयार हो गई है। जो भी खाएगा इसे वाह वाह करेगा। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।